हाँ भैया, यदि आपके पास रेडमी, शाओमी या फिर एमआई का डिवाइस है तो उसमें आपने देखा होगा कि कोई भी कस्टम आइकन उसमें आप ऐड नहीं कर पाते होंगे। तो आज हम बात करेंगे कि किसी भी शाओमी डिवाइस में आप कस्टम आइकन कैसे ऐड कर सकते हैं, जिसके बाद आपका डिवाइस कुछ ऐसा दिखेगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, वेदर का भी विजिट है और यहाँ पे आइकन भी है। तो वेदर विजिट के बारे में हम किसी और दिन बात करेंगे, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं कैसे मैंने आइकन को ऐड किया। और एक बात, यहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ अपने होम स्क्रीन पे ही कस्टम आइकन को ऐड कर सकते हैं, अपने ऐप ड्रॉवर में नहीं कर सकते हैं। तो जौन सा भी आपका फेवरेट आइकन पैक है उसको डाउनलोड कर ले, और एक ऐप भी डाउनलोड करना होगा आपको जिसका नाम है आइकॉन जी। तो सबसे पहले यहाँ आपको ये माइंड में रखना होगा कि कितना एप्लीकेशन आपको होम स्क्रीन पे चाहिए। तो वो सारा एप्लीकेशन आप किसी नोटपैड में लिख ले, और फिर आपको ओपन करना है आइकॉन जी ऐप, और यहाँ पे आपको सर्च करते जाना है एक एक करके एप्लीकेशन, और फिर आपको जो भी आइकन चाहिए उसे यहाँ से आप पिक कर सकते हैं, और ये आइकन आपके गैलरी में चले जाएगा। अब तो भैया आइकन आ गया गैलरी में, लेकिन इसको होम स्क्रीन में कैसे ले जाना है? तो सबसे पहले आपको अपने होम स्क्रीन पे KWGT का एक विजिट पेस्ट करना है, 4:1 का मैं एक विजिट पेस्ट यहाँ पे करता हूँ, और इसके ऊपर क्लिक करना है, और फिर यहाँ पे आपको क्रिएट का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर टैप कर देना है, और यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है प्लस के आइकन को, और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा शेप का ऑप्शन, तो इसके ऊपर टैप कर देना है, और ये आपको शेप मिल जाएगा इधर आइटम के सेक्शन पे, तो इसके ऊपर टैप करना है, और यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा आपको ऐप एक्स, इसके ऊपर टैप करने के बाद यहाँ पे आपको टेक्सचर के साइड में जो नल लिखा हुआ है इसके ऊपर टैप करना है, और यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है बिट मैप। जैसे ही आप बिट मैप को सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे आपको पिक इमेज का ऑप्शन मिल जाएगा, तो यहाँ से आपको पिक इमेज का ऑप्शन पे क्लिक करना है, और यहाँ से आपको वो आइकन सेलेक्ट कर लेना है जो आपको अपने होम स्क्रीन पे चाहिए। तो यहाँ से मैं सबसे पहले प्ले स्टोर को सेलेक्ट करूँगा। प्ले स्टोर जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आ गया, तो इसका साइज मुझे थोड़ा सा इंक्रीज करना है, तो यहाँ से मैं वापस से जाऊँगा सेव के ऑप्शन पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले से इसका साइज 20 है, तो मैं इसको बढ़ा के 40 कर देता हूँ, और ये पोजीशन ऑप्शन से आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि ये आइकन आपको कहाँ पे रखना है। और इसके बाद एक ऑप्शन आपको मिलेगा टच का, यहाँ पे आपको ऐड करना है प्ले स्टोर को, ताकि जब भी आप इस आइकन को टैप करें तभी वो प्ले स्टोर ही ओपन हो। टच के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको प्लस के साइन के ऊपर टैप करना है, और जो यहाँ पे नन लिखा हुआ है इसके ऊपर डबल टैप करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे लॉन्च ऐप को सेलेक्ट कर लेना है, और यहाँ से आपको एप्लीकेशन सेलेक्ट कर लेना है कि कौन सा एप्लीकेशन आपको चाहिए जब आप उस आइकन को टैप करें। प्ले स्टोर सेलेक्ट करने के बाद इसको जैसे ही मैं सेव करूँगा, यू कैन सी कि यहाँ पे प्ले स्टोर आ चुका है, और प्ले स्टोर के ऊपर जैसे ही मैं क्लिक करूँगा प्ले स्टोर ओपन हो जाएगा। तो इस तरह से आप बाकी आइकन भी सेट कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।